रामपुर में 31 नेपाली कपड़ा व्यापारियों को बनबसा जाते वक्त पुलिस ने पकड़ लिया है। तो लगातार धरपकड़ ऐसे लोगों की जा रही जो लॉकडाउन का नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और पूछने पर पता चला है कि सभी नेपाली पिछले 8 महीने से रामपुर में रह रहे थे और ये गर्म कपड़े का कारोबार करते थे, और अब गर्मी आते ही सभी 31 नेपाली रामपुर से बनबसा के लिए पगडंडी के रास्ते निकल पड़े, लेकिन रास्ते में पुलिस ने इन्हें देख लिया और सभी को रोक लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि इन सभी लोगों में कोरोना का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सभी को वापस रामपुर में वहीं रखा जाएगा जहाँ ये रह रहे थे और इन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। साथ ही पुलिसकर्मियों ने सभी को भोजन भी कराया। किराए का मकान लेकर के अपना ये कार्य कर रहे थे और अचानक इन्होंने यहाँ से अपना धीरे से चीपचाप निकलने की कोशिश करी, तो सबसे पहले इनको रोक के पूछताछ के बाद क्लियर हुआ, इनको भोजन कराया गया क्योंकि भूखे थे। मानवीयता के आधार पर इनको भोजन बनवा के हम थाने पर खिलवाए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इनको भोजन कराने के बाद इनको वापस जहाँ पर ये रह रहे थे बातचीत करके इनको वहीं पर भेजा जा रहा है।